बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी से, सुपर क्रिस्पी से पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े के होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो प्लीज़ अभी से कर दें। तो चलिए मिल के बनाते हैं सुपर क्रिस्पी स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमारे पास जो है वो आलू हैं, इनको हमने छील लिया है। अभी यहाँ पे हम इनको इस तरह के जो है वो कटर से कद्दूकस कर लेंगे। ये कटर इजीली जो है वो बाजार से मिलता है। ये इस तरह लोगों को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अभी यहाँ पे साफ पानी लेंगे। अच्छी तरह इसका स्टार्च निकालेंगे। इनका स्टार्च अच्छी तरह निकल चुका है, तो अच्छी तरह निचोड़ कर इनको जो है वो रखेंगे ताकि अच्छी तरह इनका पानी ड्रेन हो जाए। अभी इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक। थोड़े से सुर्ख मिर्च पाउडर। काली मिर्च थोड़ी सी और एक बड़ी चम्मच भर का जो है वो कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक अदद अंडा डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे। यहाँ हमने एक चम्मच ले लिया है, तो इसमें इस तरह ये डालकर तमाम जो है वो लच्छा पोटैटोज जो है तो इनको अच्छी तरह इस तरह हम प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले से गरम ऑयल में से इस तरह डीप फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो दूसरी साइड से इनको टर्न कर देंगे।
जी जनाब, तो फाइनल लुक आप देखें हमारे क्रिस्पी स्नैक्स की, पोटैटो स्नैक्स। देखने में इनकी लुक कितनी खूबसूरत है और खाने में भी इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार होंगे। बच्चों बड़ों सबको ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।